अच्छा जी, विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स जो है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होती है? और एक और क्वेश्चन कि क्या ये जो विद होल्डिंग टैक्स हैं या एडवांस टैक्सेस हैं, ये रिफंडेबल होते हैं या नहीं होते? तो इसके अंदर हम ये मैंने ऐसी वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले विद होल्डिंग टैक्स के तीन फीचर्स हम देखते हैं। ये इसका पहला फीचर ये होता है कि इसकी डिडक्शन जो है एट सोर्स होती है, ठीक है? यानी कि जो सोर्स आपको इनकम वगैरह दे रहा था वही इसकी डिडक्शन करता है। दूसरी इसकी जो फीचर है वो ये है कि ये इनकम के ऊपर मोस्टली जो है इसकी डिडक्शन होती है। तीसरा इसका फीचर ये है कि ये बेसिकली एडवांस पेमेंट होती है टैक्स अथॉरिटी को, यानी होता ये एडवांस टैक्स ही है, बट इसे विद होल्डिंग इसलिए कहते हैं कि डिडक्शन एट सोर्स होने की वजह से, ठीक है? अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब डिवीजन थ्री जो है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये इसमें तमाम वो सेक्शंस हैं जो कि आप कह लें कि विद होल्डिंग टैक्स या डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं, विद होल्डिंग या डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इसमें 149 सेक्शन से ये स्टार्ट होता है, सैलरी, 150 डिविडेंड, 151 प्रॉफिट ऑन डेट, 152 पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है? इसी तरह ये नीचे बहुत से जो सेक्शंस हैं इसमें शामिल हैं, 158 तक ये जाता है, ठीक है? डिवीजन थ्री जो है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है? एडवांस टैक्स को दो सेक्शन मेनली डील करते हैं, सेक्शन 147 और सेक्शन 168। सेक्शन 147 जो है वो आपकी एनुअल जो इनकम होती है, सालाना इनकम, उसके ऊपर लागू होता है, ठीक है? और एनुअल इनकम में फिर जैसे मिसाल दी गई है कि बिल्डर्स और डिमोलिशर्स और बिल्डिंग्स जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं। एडवांस टैक्स जो है प्लॉट्स की डेवलपमेंट और सेल करने वाले तमाम जो हैं, जो आप कह लें कि जितने भी बिजनेस में हैं या पर्सन है, इंडिविजुअल है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी है जो ये काम करती है, वो भी इसमें शामिल है। फिर एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, इसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं, बाकी सारे शामिल हैं। तो ये इस तरह से, ये यानी कि एनुअल जो आपकी इनकम होती है उसको फिर उसके ऊपर जितना टैक्स होता है उसको चार हिस्सों में डिवाइड करके साल में चार दफ़ा इसको, इसकी पेमेंट जो है वो आप करते हैं FBR को। तो इसमें बहुत सी जो नॉर्मल आम आदमी की ज़िंदगी वाले एडवांस टैक्सेस हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उनको डाला गया है 168 में। तो सेक्शन 168 ये कहता है कि जो डिवीजन थ्री है और चैप्टर 12 है, ये दोनों ही एडवांस टैक्सेस हैं। यानी डिवीजन थ्री जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की, ठीक है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वाली, और अगेन चैप्टर 12 जो है ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस, इसमें 231A से लेके 236Z तक सारे जो सेक्शन हैं वो शामिल हैं। और इसमें मैं आपको मेन मेन मसलन बता देता हूँ कि कैश विड्रॉल जो बैंक से करते हैं नॉन फाइलर, उस पे जो एडवांस टैक्स कटता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर, बिल के ऊपर, ठीक है, और टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़र्स जो हैं उनके ऊपर, उसके बाद सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड होलसेलर्स को जो सेल करते हैं उसके ऊपर, इसी तरह सेल टू रिटेलर्स के ऊपर। तो इसके अंदर सारे जो एडवांस टैक्सेस हैं, बहुत से मैंने स्किप कर दिए हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, नीचे भी हैं एक दो और फिर आगे भी हैं। तो ये सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शन 168 के अंडर आते हैं। अब बात आती है रिफ़ंड की, कि इनमें से ये अब जो हैं सारे, हमने जो अभी तक डिस्कशन की है, ये तो सारे फिर एडवांस टैक्स में भी शामिल हो गए, ठीक है? जितने के जितने हमने डिस्कस किए हैं कि विद होल्डिंग को भी इन्होंने एडवांस में शामिल कर दिया। तो अब ये जो एडवांस टैक्सेस हैं, जब इनको आप रिटर्न के अंदर फाइल करते हैं तो कुछ इसमें से रिफंडेबल होते हैं। अब ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो हैं वो रिफंडेबल हैं और कुछ जो हैं एक्सक्लूड किए गए हैं इसके अंदर से कि वो रिफ़ंड नहीं होते, ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पे ये जो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है, एक्चुअल में ये विद होल्डिंग नहीं है, ये एडवांस टैक्स है, ठीक है? और ये 236C का टैक्स है। अब ये कंप्यूटेशन का मैंने टैब खोला हुआ है टैक्स चार्जेबल पेमेंट के अंदर, तो इनकम टैक्स रिटर्न में अगेन फिर ये दोनों जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको इसकी एक्चुअल सेग्रीगेशन तो बता दी है कि जो इल्मी नुक्ता से जो है कि ये जो है आप कह लें कि जो इनके अंदर डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में, बट यहाँ पे अगेन फिर जाके ये मिक्स हो गए। और फिर यहाँ पे आपने यही देखना है कि जो भी आपके टैक्सेस हैं वो रिफंडेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। इसका सिंपलेस्ट वे ये है, इनकम टैक्स रिटर्न में आप कोई भी जो है वो टैक्स उसको एंटर करके देख सकते हैं कि ये रिफंडेबल में जाता है या नहीं जाता, जो लोग आम लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स आ रहा है, अगर मैं आपको पेमेंट्स में दिखाऊँ जाके, तो ये पेमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं ये 236C का टैक्स है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अगेन ये मैंने आपको बताया कि इनकी मिक्सिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। और कौन से रिफ़ंड होने कौन से नहीं रिफ़ंड होने, जैसे सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो तो आपको रिफ़ंड नहीं होना, ठीक है। और डिवीज़न 3 जो है उसके अंदर सैलरी जो है वो पहला उसका जो है सेक्शन वो शामिल है, ठीक है, वो तो आपको रिफ़ंड नहीं होना। तो इस तरह से और भी इसमें कुछ सेक्शन हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जो कि रिफ़ंड की टर्म में नहीं आएंगे बट एडवांस टैक्स की टर्म में आते हैं। यानी कि आपसे काटे तो वो एडवांस टैक्स के तौर पे जाते हैं बट उनकी वापसी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। उनके अगेंस्ट को टैक्स क्रेडिट मिलना है आपको और ना वो आपको रिफंडेबल होने, ठीक है।